भाई 80 रुपए का हुआ है, मिस्त्री को दे दिया है। अभी ये खिलाने चलते हैं बकरों को। फिर से आ गई है नीचे अम्मा, दुआ दुआ करना 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। अल्लाह करे यूट्यूब की इनकम भी आए। आमीन आमीन। भाई फाइनली असीम की शादी से फ्री हो गए अभी। भाई दोपहर में बिरयानी खाई थी, आज भी बिरयानी चाहिए भाई खाना। कबाबी तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मेरे दोस्त की बारात, जिसका निकाह था असीब का, उसकी आज बारात है। तो वो अभी उठे, बस फ्रेश हुए, फ्रेश हो के अभी कपड़े वपड़े इस्त्री करने देते नीचे, क्योंकि लाइट नहीं है, यूपीएस चल रहा है तो इसमें इस्त्री नहीं होगी। कपड़े प्रेस करने देते हैं, फिर देखते क्या मसरूफियात है। अभी तो 4 बजे 8 बजे जाना है, गाड़ी वाड़ी भी चेक करते हैं नीचे, उसको वॉश करवाते हैं अगर नीड हुई तो, वरना देख लेंगे। तो फिर चलते हैं। अच्छा, तो ये किचन की लाइट ख़राब हो गई थी, तो यहाँ की एक लाइट थी हमारे पास, यहाँ की लाइट निकाल के हमने किचन में लगा दी, यहाँ नीड नहीं थी। तो मैंने बोला शॉर्ट, मैंने अभी देखा बुरा आ रहा था शॉर्ट में, तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। ठीक है, ऐसा नहीं तुम बोलो यार पीछे ख़राब आ रही है वो, बस समझ रहा ना, समझ रहो मैं मत बच्चे, एक यहाँ ज़रूरत नहीं, वहाँ लगा दो, ऐसा बचाओ, समझ रहे हो। तो ये वाला कुर्ता था इसी, ये रखा हुआ है शॉपर में, ये कराना है प्रेस। हाँ तो भाई सीन ये है कि ये हैं कपड़े और ये हैं मटर, धनिया, पालक के छिलके। ये हमारे अब्बा भी कहते हैं सब्जी मंडी, तो वहाँ से बहुत सारे लिए थे। तो अभी इसका जो कचरे हैं वो हम उसको खिलाने जा रहे हैं फैजान भाई के बकरों को, उनका घर करीब ही है। तो ये इस्त्री करने देंगे कपड़े, ये 1-2 किलो इनको खिलाएंगे, बकरों को दुआ लगेगी, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देंगे, हम सब यूज़ करेंगे। तो भाई ये यहाँ रख दिए कपड़े वपड़े पहन लिए, अभी ज़्यादा पहले सब रजनी कांड बन जाए। अब चलते पहले कपड़े प्रेस होने देते हैं, फिर पहले पेट्रोल डलवाते, पेट्रोल नहीं तो कपड़े प्रेस होने देते हैं, फिर ये खिलाते हैं उनको, फिर मिलते हैं आपसे वहाँ जाके। भाई 99 रुपये का पेट्रोल डलवा लिए, अब चलते हैं कपड़े प्रेस होने के लिए देने के लिए, फिर ये बकरों को खिलाते हैं। 80 रुपये भैया, आप बताओ। अहमद यू तो भाई 80 रुपये का हुआ है, इस्त्री का दे दिया है, अभी ये खिलाने चलते हैं बकरों को, फिर उसके बाद कट जाएंगे। इस तरह तुम बकरों को पाया हो। तो भाई पहुंच गए फैजान भाई की छत पे, ये भी बाबा के साथ गए थे मंडी, तो ये भी सामान वामान लिया है। अभी हम खिलाते हैं इनको बकरों को खाना। अबे सब जमा हो रहे भाई, ये देखो सब जमा हो गए। आ जाओ भाई बकरो, आ जाओ, दावत है आज, आज बकरों की दावत है। सबर 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 सबर, होश। अबे डर लग रहा है मेरे को, गजब बेइज्जती है। अरे हमारा वाला बकरा कहाँ है, हमारा बकरा कहाँ भाई, वो खा रहा हमारा बकरा। भाई बकरों को खाना डाल दिया, फुल रश लग गया यहाँ पे भी। आधे वहाँ चले, आधे वहाँ शिफ्ट हो गए भाई, 2 शिफ्टें लग गई हैं बकरों की। अच्छा ओए ये फड्डा कर रहा है, ओए बच्चों को नहीं खाने दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये सिचुएशन है भाई, बहुत दिनों बाद है यार इनकी गायें, वो देखो गायें भी बड़ी बड़ी हो गई है थोड़ी। ये सेटअप है, अभी देखो क्या है वो अपने वाला बकरा, ये रहा। जब तक ये बकरे खाना खाते हैं, गायें भी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, इतने दिन पहले आए थे हम यहाँ पे, 1 हफ्ता हो गया,
और देखे अंडे वंडे दिए इनकी मुर्गियों ने, नहीं दिए भी चेक करते हैं। हम अकेले हैं, वो फैलान में दुकान पे नीचे, बल्कि छोड़ो बंद है। अच्छा तो खैर, जब तक ये खाना खा रहे हैं, अबे वो अंदर घुस गया। तो जब तक ये खाना खा रहे हैं, हम आपको बताते हैं 99 रुपये का पेट्रोल हमने क्यों डलवाया। भाई 99 रुपये का पेट्रोल डलवा लिए, अब चलते हैं कपड़े प्रेस होने। तो यार बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 100 रुपये में या 150-200 रुपये में ना, बस तुम तो चुप हो जाओ, गजब बेइज्जती है। तो 100-150-200 रुपये में ना मीटर फिक्स होता है, मतलब आप उसमें डलवाओगे ना पीछे से फिक्स होता है। अब ये हमें पता नहीं है, वो हमारी छोटी सोच मेंटेलिटी का गेम है सारा। तो हमने 99 रुपये का डलवाया, वैसे कहीं जाना नहीं था, यूज़ नहीं था गाड़ी का, गाड़ी में ही जाना था शादी में। तो इस वजह से हमने बोला भाई बाइक में 99 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं और इलाके इलाके में घूमना है। तो ये बस ये फड्डे वड्डे हो रहे हैं यहाँ पर, ये सब खाते हैं, असर की अजान भी हो गई, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर घर चलेंगे, फिर नहाना भी है, शादी में जाना है। ओए फड्डा हो गया, फड्डा हो गया, ये सब अकेले खाते जब ये सब। ओए भाई लाइव मनाजे WWE क्या हम आपको दिखा रहे हैं, मुर्गा वर्सेस बकरा। क्या करूं मैं, यही वाले व्लॉग शुरू कर दूं, रोज फड्डे दिखाता रहूंगा बकरों के आप लोगों को। चलो भाई जब तक ये खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये थे भाई बकरों के छोटे मोटे सिनेमैटिक्स। अभी इनके कबूतर का सीन चेक करें, जाला वाला लगाओ भाई, कबूतर भाई माशाल्लाह सुकून। भाई तुम्हारे लिए कुछ भी खाने का नहीं लाए, तुम्हें छोटे छोटे मटर देंगे तुम्हारे को। तो बस मटर जो अंदर से निकले वो इन्हें देंगे, जो बाहर के छिलके हमने उनको दे दिए, बस खुशी खुशी खा रहे हैं हम तो। थोड़ी सी भी सब्ज़ी ख़राब हो जाए हम लोग तो नहीं खाते भाई, तो अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। ये नहीं बनाने देगा, व्लॉग नहीं बनाने देगा तू, अरे तो अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह पाक ने हमें बनाया, समझ दिया, अकल दी। ये बेचारे बेजुबान जानवर हैं, इनका ख्याल करो भाई आप लोग। और माशाल्लाह ये तो सुन्नत भी है बकरी पालना, ये सारे जानवर पालना। तो फैजान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, जन्नत पक्की है आपकी। चलो भाई बकरो, अल्लाह हाफिज़। अंदर खुल रहा है, गजब बेइज्जती है। सही है भाई बकरा, ये अपना वाला है। हाँ अंदर है तू, सही है भाई, चलो इनको लॉकअप कर दिया, चलते हैं भाई। पहुँच गए फकीरी मस्जिद, जहाँ पे हम जुम्मा पढ़ते हैं, तो अभी पढ़ते हैं, असर का टाइम हो रहा है, बाकी बच्चे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बड़ा सुकून का माहौल हो रहा है। वजू वगैरह कर लिया, अभी असर की नमाज़ पढ़ते हैं। माशाल्लाह भाई मस्जिद, बड़ा ठंडा टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ते फिर मिलते हैं आपसे। भाई असर की नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, अभी चलते हैं घर। भाई इलाके में यही वाली चप्पल पहना करो, सही रहती है। भाई हमारे इलाके में पट्टी भी हमें आज पता चला है। हाँ भाई ब्लॉग देखता नहीं देखता तू, इधर जवाब तो दे रहे तुझे, फेसबुक पर तो मैंने डाला ही नहीं। डाला भाई, ये एरिया का बच्चा हमें मिले अभी नमाज के बाद सामने, पट्टी चल रही है यहाँ पे भाई, मेरे को बिल्कुल भी खेलना नहीं आती है भाई। आ गए नमाज वगैरह पढ़ के, पट्टी वट्टी दिखा दी आप लोगों को, पूरी दुनिया घूम ली हमने, मगर लाइट अभी नहीं है, लाइट आती है 6:30। तो भाई खाने में हमारे पास है बिरयानी, भूख लग रही है, अभी बिरयानी निकालते थोड़ी सी। देख लो बिरयानी कैसी हो रही, खतरनाक हो गया, काम खराब हो गया। भाई हम अम्मा ने बनवाई बनाई थी घर में चटनी हरी वाली, जिसका हम छिलके बकरों को खिला के हैं, वो ये है। तो अभी खाते हैं बिरयानी, टेस्ट करते हैं कैसी है।
बिरयानी अच्छी है भाई। रात में भी यही मिलेगी, मतलब अलग वाली मिलेगी। ये ख़त्म करते हैं, फिर ब्लॉग एडिट करते हैं, फिर कपड़े लेने जाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। फिर जो सूट ले आए, देख रहे हो जान आ गई, 80 रुपये वसूल होगा इसके। अच्छा बस अब नहा के फिर आपसे मिलते हैं, अभी लेट हो रहे हैं बहुत, ऑलरेडी बहुत लेट होगा, ठीक है भाई। आसिफ भाई देख लो, मेहनत लग रही है, फ़ोन भी आ गया, तो फिर आपसे मिलता है फिर नहा के। तो भाई शावर वगैरह ले लिया है, बस अब नहा लिए, जल्दी से तैयार होना है क्योंकि बहुत लेट हो गए ऑलरेडी। वो पड़े हुए कपड़े बस ये चेंज करता है, फिर ट्रांजिशन में कपड़े पहनेंगे हम लोग। 1 2 3 अच्छा ये हटाना है, 1 2 3 भाई फ्रेश कपड़े पहन लिए, रेडी होगा बिल्कुल। अब बस बाल वगैरह बनाते हैं, सैंडल वगैरह निकालते हैं, बस अब फौरन नीचे जाते गाड़ी स्टार्ट करते, बहुत लेट हो गए हैं, 5 मिनट रहेगा हमारे पास सब करने के लिए। अपडेट दे रहा आपका भाई साथ साथ, देख रहो व्लॉग का पैशन देख रहो बस। तो भाई फाइनली ये देख रहो, वेस्ट कोट वगैरह पहन लिए तो थोड़ा लुक आ गया, बस अब चलते हैं। शूज़ वगैरह भी पहन लिए, सब चीज़ ओके, अब चलते हैं बस नीचे, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आ गई है नीचे, मजाक करो पड़ोसी की है हमारी, वो खड़ी भी गाड़ी गर्म हो रही है थोड़ी देर, जब तक अम्मी वगैरह उतर रहे हैं। और यार इस पे तो दिल आ गया मेरा, क्या यार इसके रिम्स चेक करो यार, हाइट देखो माशाल्लाह भाई, अल्लाह पाक ये भी देगा, इसका भी शुक्र ये भी दी भाई। जब तक फैमिली उतर रही है आपको सुनाते हैं स्टोरी। स्टोरी ये है कि हमारे पड़ोस में शादी, मतलब बराबर वाले घर में है निकाह, और मेरा है मार्केट का दोस्त हसीब, उसका भी आज निकल है, तो सेम एरिया में ही है। तो पहले मैं अभी आज जल्दी निकल गया, पहले अम्मी वाले उतर रहे उनको ड्रॉप करूँगा हॉल में, फिर वहाँ से हसीब के घर के नीचे जाऊँगा, फिर उसके साथ बारात लेके जाएंगे हॉल में, तो फिर वापसी आना है, फिर वापसी में अम्मी को उठाना है, फिर घर आएंगे दोनों साथ। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डे है आज, मतलब अभी भी रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ मैं, और गाड़ी अभी भी ठंडी है हमारी, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ, इसकी अपडेट कुछ भी नहीं है। बस अब वो सामने से गाड़ी हटवाते हैं सही से, जब तक अम्मी वगैरह उतरते हैं फिर पहुंचते हैं हॉल, ठीक है। खुले नहीं है, खुले नहीं अम्मा, पचास हजार का नहीं है, 3.5 लाख का है, मेरे पास है, रुक जाओ। वॉलेट कहाँ है, निकालो 50 रुपये भाई, रोड जाम है अजीज़ाबाद का, 50 रुपये का हम खर्चा कर रहे हैं। अम्मा दुआ दुआ करना 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, अल्लाह करे यूट्यूब की इनकम भी आए, आमीन आमीन। भाई अम्मी वालों को एक हॉल में उतार दिया, अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के लेने, दोस्त को पिक करने, पेट्रोल एंड पे पहले पेट्रोल डलवाऊंगा आगे से, बहुत लेट हो गए, पंप देखते हैं उल्टा आते भाई। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि दो दो शादी हों? और संडे वाले दिन भी सेम सीन है, आसिफ का वलीमा है दोपहर में और इनका वलीमा है रात को, तो अब सुबह एक ही कपड़े पहन के हम निकलेंगे और सारा दिन घूमेंगे। पंप पे आ गए हम भाई, रिफिल करवा रहे हैं जब तक टैंक, गाड़ी आई थी धुलवाई थी, गाड़ी भी साफ सुथरी है। पहुंच गए आसिफ के घर के पास, एक दोस्त ने ज्वाइन कर लिया हमें, माशाल्लाह भाई बड़ी प्यारी गाड़ी बनाई है इसने भी, तो बस अब आसिफ के घर के नीचे जा रहे हैं, जरा शश के हम भी खोल लें अपनी गाड़ी के, सफ़र करो, अब आएगी बारात वाली फील, फिर मिलते हैं आसिफ के घर के नीचे जाके। शमून भी आ रहा है, शमून को भी दावत है भाई, शमून भी आ रहा है, फिर उसके साथ भी रफरी वफरी करते हैं। शादी वाला माहौल नहीं लग रहा यार घर के नीचे इसके, अब उसका वापी तैयार नहीं है। वो दूल्हे की एको है, बाकी शमून आपकी कौन सी थी, एकॉर्ड का है, वो जो थी ना रस्ते में ब्लैक वाली, वो सी की थी। तो और ये हमारी है, तो बस अभी बैठते गाड़ी में वेट करते हैं इसका। डेट ये कि आसिफ ने टोपी दे दी थी, तो हम आ गए होटल पे चाय पीने, और गुजारे के लिए हमने फ्राइज ऑर्डर कर दिया। शमून भाई क्या कहोगे आप पारी की वजह से? तुम खाने के लिए आयो गरीब, तुम खाने के लिए आयो ना शादी में, किस लिए आयो आप जरा ये बताओ यार, मैं इंजॉय करना है, इंजॉय तो कर ही रहे हो अभी भी, और क्या करूं। शादी में पहुंच गए भाई, दोपहर में बिरयानी खाई थी, आज भी बिरयानी चाहिए भाई, खाना खाने वाले को कॉल करना कैंसिल, किसको कैटर वाले को कॉल करना कैंसिल भाई, देखो शादी मेरी भी नहीं हुई है अभी, किसी ने अगर रब्ता करना हो तो।
खाने दो यार, खाना खाने खाना भाई। फाइनली आसिफ की शादी से फ्री हो गए, अभी निकले, अभी फैमिली को पिक करने जा रहे हैं दूसरे हॉल में, तो फिर घर चलते घर। बस फिर इस व्लॉग को यही एंड करेंगे, घर पहुँच के बहुत थक गए हैं, सुबह से बड़ा एक्टिव डे था। ठीक है, तो यहाँ से टर्न लेना फिर।